पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। पिछले एपिसोड में गौरा व्यक्ति और व्यक्तित्व पुस्तक से सामाजिक क्रांति का आरंभ के बारे में जान चुके हैं ना, आज हम बर्खास्तगी और साम्यवाद का प्रयोग के बारे में जानेंगे। दुर्गाबाई देशमुख जैसी बड़ी कांग्रेस नेता को कोई प्रोफेसर पढ़ावे यह सरकार को बर्दाश्त नहीं था, इसलिए सरकार भी तब ताक में थी कि किसी न किसी तरह गौरा जी को नौकरी से निकाल दे। कांग्रेस के साथ संबंध, नास्तिकता पर लेख और कथनी करनी में सामंजस्य, ये सब काकीनाडा कॉलेज से गौरा जी को डिसमिस कराने के कारण है। वैसे तो डिसमिस करते हुए संचालकों ने नास्तिक विचार रखना ही बड़ा अपराध माना। गौरा जी कभी सोच भी नहीं सकते कि नास्तिक विचार रखना इतना बड़ा अपराध हो सकता है। फिर भी वे निराश ना हुए। उस समय आंध्र विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णा ही थे। राधाकृष्णा जी बड़े दार्शनिक होने के कारण विचार स्वतंत्र को वे सर्वोपरि स्थान देते थे। गौरा जी ने उपाध्यक्ष को अपील की। उपाध्यक्ष जी ने सारी स्थिति की तहकीकात की और अंत में अपना निर्णय दिया कि नास्तिक विचार रखना कोई पाप नहीं है। गौरा जी का कहना था कि अगर किसी को इसलिए निकाल दिया गया कि वह नास्तिक है, तो दूसरों को इसलिए निकाल देना चाहिए कि वह आस्तिक है। शिक्षा में भी अगर विचार स्वतंत्र ना रहा तो उस शिक्षा का उपयोग ही क्या है। साम्यवाद का प्रयोग। काकीनाडा कॉलेज में गौरा जी की और कॉलेज के संचालकों के संबंध इतने बिगड़ गया कि गौरा जी को फिर अपने कॉलेज में लेने के लिए तैयार नहीं थे। राधा कृष्णा जी की कोशिशों के कारण गौरा जी को फिर से काम में रखने की दृष्टि से मछलीपट्टनम में वनस्पति शास्त्र का विषय शुरू किया गया। 1933 का साल था। गौरा जी ने काकीनाडा कॉलेज से निकल दिए जाने के बाद अपनी जीविका के लिए आंध्रा ट्यूटोरियल कॉलेज के नाम से एक ट्यूटोरियल संस्था चलाई, जिसमें गौरा जी और उनके कुछ विद्यार्थी शिक्षक थे। उस संस्था में प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक सबकी इज्जत समान था और सबका वेतन उन उनके परिवारों की आवश्यकताओं के अनुसार था। यह साम्यवाद का वह प्रयोग सफल रहा था। अगले एपिसोड में गौरा जी के बारे में अनेक विशेषताएं जानेंगे। धन्यवाद। For more videos, please subscribe to this channel, Positive Atheism, and activate the bell icon.